इंडिया में गूगल बाबा को पैसों को लेके सबसे ज्यादा कौन से प्रश्न पूछे जाते हैं? सुप्रभात दोस्तों, आप सभी का एसके फिनोवेट में स्वागत है। दोस्तों, भारत वर्ष के अंदर पैसा मनी को लेके कौन से ज्यादा सवाल गूगल बाबा से पूछे जाते हैं? सबसे पहला सवाल, हाउ आई कैन बिकम रिच ओवरनाइट। दोस्तों, मैं जब सवाल पढ़ता हूँ तो मुझे बड़ी हंसी आती है। दोस्तों, एक लॉटरी के अलावा कोई भी ऐसा रास्ता नहीं है जिससे कि आप ओवरनाइट पैसे वाले बन सकते हैं। लेकिन फिर भी दोस्तों, लॉटरी आप भी जानते हो कि कितनी कम लगती है या नहीं के समान चांसेस है। तो एक ही रास्ता है, वो है डिसिप्लिन। आप जितने डिसिप्लिन और पेशेंस के साथ रहेंगे उतने ही जल्दी ही नहीं लेकिन देरी से सही लेकिन करोड़पति बन सकते हैं। यही सवाल जब वॉरेन बफेट साहब से पूछा गया था कि भाई आप इतने पैसे वाले कैसे बने, आप सबको ही जानते हैं उनकी स्टोरी कि वो बहुत छोटे थे, तब बहुत ही सिंपल, बहुत ही गरीब थे, फिर इतने अमीर कैसे बने। उनका एक ही स्ट्रेटेजी और सिंपल स्ट्रेटेजी था कि अपने जो शेयर खरीदो अच्छा खरीदो और जो ग्रोथ देता है उनको अपने पास रख के पेशेंस फुल्ली रखेंगे तो आगे उसका अपने को कंपाउंडिंग इफेक्ट मिलना ही है। लेकिन अपने सबको चूंकि रातों रात करोड़पति बनना है तो लोग करोड़पति बन जाते हैं। और एक बहुत अच्छा फॉर्मूला है 50-30-20, यानी आपकी जो भी इनकम है उसका 50% जो है नीड के लिए खर्चा करना है, यानी रोटी कपड़ा और मकान के लिए। जो 30% पैसा है वो आप अपना जो भी है वेकेशन है, होटल में जाना है, कोई और अच्छा काम करना है, अच्छा मोबाइल लेना है, उस सब में यूज कर सकते हैं। बैलेंस जो 20% है वो यू मस्ट इन्वेस्ट, यू मस्ट कंपाउंड दैट अमाउंट, तभी आप अच्छे रूप से पैसा कमा सकते हो। दूसरा जो क्वेश्चन है, फाइनेंशियल एडवाइजर नियर मी। दोस्तों, फाइनेंशियल एडवाइजर जो है हर जीवन में बहुत ज्यादा जरूरी है। बहुत आदमी अपने आप को महान समझते हैं तो अपने आप ही चल पड़ते हैं, लेकिन जहाँ पर जब भी रथ के अंदर सारथी रहता है तो बहुत सही तरीके से आप अपनी जर्नी कर सकते हैं। लेकिन ये सारथी कौन हो सकता है, ये बहुत बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जो आदमी कोई भी हो, डिस्ट्रीब्यूटर है चाहे एडवाइजर है, जो अपने स्वार्थों से ऊपर उठ के एडवाइस देता है वही असली आदमी है। दोस्तों, एक प्रश्न और आया कि अगर मैं 5,000 रुपया एक बार में इन्वेस्ट करता हूँ तो 10 साल बाद में ये रुपया कितना हो जाएगा। दोस्तों, म्यूचुअल फंड के अंदर अगर आप 5,000 रुपया जमा करते हो और अगर 12% का रिटर्न भी समझे तो 10 साल बाद में यही रुपया बढ़ के 15,500 रुपए के आसपास होगा। लेकिन यही पीरियड अगर 20 बरस कर दे तो यही अमाउंट बढ़ के आपका 48,000 रुपया हो जाएगा, और अगर 30 बरस रखते हैं तो ये रुपया 1.5 लाख रुपए से ऊपर होगा। लेकिन असली मजा तो तब आता है जब आप 5,000 रुपया पर महीना अगर जमा करते हैं तो इसका कैसे ग्रोथ होता है वो आपको दिखाता हूँ। दोस्तों, 30 बरस यही अगर 5,000 रुपया करके अगर आप जमा देते हैं तो आपने सिर्फ 18 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट किया, लेकिन उसकी वैल्यू 30 साल बाद में होगी 1,75,00,000 रुपया। माइंड ब्लोइंग है ना। दोस्तों, यही डिसिप्लिन है जो कि आपको आगे बढ़ाता है। इससे एक कहावत बहुत चरितार्थ होती है, टाइमिंग इज नॉट इम्पोर्टेंट बट टाइम इन द मार्केट इज वेरी इम्पोर्टेंट। कितना समय आपने दिया उसके ऊपर निर्भर करता है। दूसरा और एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल, डू आई नीड टू बी वेरी गुड इन मैथ्स फॉर गुड रिटर्न्स। नेवर। दोस्तों, कभी जरूरत ही नहीं है, क्यों कि आपको कुछ गुना भाग करना ही नहीं है, आपको सिर्फ कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन की जरूरत है, पैसा स्वतः आएगा आपके पास। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, व्हाट इज द इजीएस्ट वे टू इन्वेस्ट मनी। दोस्तों, अनडाउटेबली इट्स म्यूचुअल फंड ओनली। दोस्तों, म्यूचुअल फंड का बहुत सारे एडवांटेजेस हैं। पहला एडवांटेज, आपको एक टाइम काम करना है और उसका रिटर्न्स, उसके फ्रूट्स जीवन भर पाने हैं, क्यों कि यहाँ पर डेडिकेटेड फंड मैनेजर्स रहते हैं जो कि आपके बिहार में स्टॉक सिलेक्शन करते हैं, कब लेना है, कब बेचना है, कौन सा सेक्टर चलने वाला है, कौन सा सेक्टर आउट ऑफ द मार्केट हो गया है, सारे डिसीजन वो लेता है। और एक जो महत्वपूर्ण आदमी होता है वो होता है एडवाइजर, जो कि आपको वो फंड मैनेजर यानी वो AMC का कौन सा फंड लेना चाहिए, किस समय लेना चाहिए, जो कि आपको गाइड करता है। दूसरी चीज है SIP। दोस्तों, SIP में आप कमिटेड भी रहते हो, डिसिप्लिन वे में काम करना पड़ता है, आपका फंड ऑटोमेटिक एक फिक्स डेट के अंदर फिक्स अमाउंट आपके बैंक से ऑटोमेटिक चला जाता है विदाउट एनी योर एफर्ट, और वो अमाउंट कंपाउंडेड होती रहती है। सबसे और एक इम्पोर्टेंट चीज वो है लिक्विडिटी। आप अपना पैसा जब चाहे तब रुपया ले सकते हैं, क्योंकि अगर आप मंडे को रिडीम करते हैं तो वेडनेसडे को सुबह 8 बजे आपके अकाउंट में रुपया आ जाता है। इससे बढ़िया लिक्विडिटी और क्या चाहिए, आपका कहीं किसी से पूछने के लिए नहीं जाना है। आगे जमाने में लोग रुपया बाजार में लगाते थे या कहीं और लगाते थे, उसके लिए बहुत एफर्ट करना पड़ता था। आजकल तो बाजार से रुपया वापस लेना महाभारत है, बहुत जगह तो रुपया वापस ही नहीं आता है।
और कहीं भी हो आपको बहुत एफर्ट करने पड़ते हैं म्यूचुअल फंड में। ऑनलाइन अगर आप रिडीम करते हैं तो आपको कुछ नहीं करना, विद इन 30 सेकंड आपका रिडीम हो जाता है। फाइनेंशियल एडवाइजर को बोल दीजिए, वो आपको एक लिंक भेजते हैं, आप अप्रूव कीजिए, काम खत्म। इन माय व्यू दिस इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर योर फाइनेंशियल जर्नी। स्वस्थ रहो, मस्त रहो और अपने म्यूचुअल फंड को भागीदार बनाओ अपने पोर्टफोलियो में।